चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कहिए कैसे हैं आप फ्रेंड्स। आज कलेक्टिव रीडिंग में आज का टॉपिक है, क्या आपका पार्टनर के साथ रिकंसिलिएशन होगा? रूठे हुए मनाए जाएंगे, जिसे आप बहुत प्यार करते हो, थोड़ा सा रूठ गए हैं, चाहे वो एक्स हो, चाहे वो अभी के हो, चाहे वो हस्बैंड हो। ये रीडिंग सबके लिए है, ये जनरल रीडिंग और ही और शी दोनों के लिए है। फ्रेंड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वांड्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बॉटम ऑफ डेक, नाइट ऑफ वांड्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कार्ड्स में सबसे ज्यादा साइन आया एयर का। लगता है आपके रिश्ता खराब हो, कुछ लोगों का रिश्ता खराब हो चुका है। फाइव सेवन ऑफ सोर्ड्स बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन से आपसे काफी बातें छुपाते थे, उन्हें चीजें छुपाने की आदत थी और वो आपको मैनिपुलेट भी करते थे बातों के साथ। आपका रिश्ता कुछ ऐसा चल रहा था, लेकिन आपने इन चीज़ों को नज़रअंदाज करा, सोचा कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को लेके मुझे रिश्ता खराब नहीं करना चाहिए। आपके पर्सन वैसे पर्सनैलिटी वाले थे, लेकिन उनका नेचर में ये था चीज़ें छुपानी, आपको मैनिपुलेट करना और आपको लेके ज़्यादा पॉजिटिव सोच नहीं थी उनकी। सोचते थे वक्त निकल रहा है, कोई बात नहीं, निकलता जाए। लेकिन आपने जहाँ कमिटमेंट या मैरिज के लिए बोला, तो उनका बिहेवियर बदल गया, यानी कि उनमें वो पहले वाली बात नहीं रही जो आपको पहले नज़र आती थी। आपको लगा कि वो आपसे आंखें चुराने लगे हैं। जब आप कमिटमेंट या मैरिज या किसी चीज़ को लेके उनको बोलते हो, तो वो अच्छे से रिप्लाई नहीं देते। इस चीज़ को लेके आप रहते थे परेशान, लेकिन आपके पर्सन ने आपको, मैंने जैसे बताया कि पॉजिटिव इतना नहीं लेते थे, इसलिए उन्होंने आपकी इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि उनको पता था कि मैं चीज़ें छुपा रहा हूँ, ये दिन तो मुझे देखना ही पड़ना है, पर टाइम जो निकलता है निकलता जाए। इसलिए वो खुश होते थे कि जब तक टाइम निकलता निकलता जाए। वैसे आपके पर्सन जो थे पर्सनैलिटी वाले थे, आपने उनको आप बहुत दिया, टाइम भी दिया और हो सकता है फाइनेंस भी थोड़ा बहुत हेल्प करते हो। जब उनको किसी चीज़ की ज़रूरत थी, आप अवेलेबल रहते थे, उनकी हाँ में हाँ मिलाते थे। आपको लगता था कि वो खुश तो सब खुश, लेकिन उनको था मैं खुश तो तभी सब खुश। वो अपनी खुशी पहले ढूंढते थे। इन चीज़ों को लेके जब आपने कमिटमेंट मांगा, शादी की बात करी, तो उनका रंग सामने आने लग पड़ा। उन्होंने आपको कोई पॉजिटिव आंसर नहीं दिया। आपके दिल में ये बात खल गई कि आपको चाहिए था कमिटमेंट मैरिज के लिए, रिश्ते को बढ़ाने के लिए, लेकिन उनको ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए आप में आर्गुमेंट होने लगे और रिश्ते में ज़्यादा तनाव नहीं आया, लेकिन तनाव आना शुरू हो गया। तो आज भी आप उनकी रीडिंग देख रहे हो, आप सही थे। आप चाहते हो कि अगर मैंने इनको अच्छा दिया,
इनकी तरफ से मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी, मैंने हमेशा सच्चे दिल से लव किया है, तो मुझे इतना क्यों भगवान ने दुख दिया, मैंने तो कभी उनको मैनिपुलेट नहीं कहा, कभी भी उनको किसी चीज़ के लिए मनाही नहीं करी, फिर उन्होंने मुझे ऐसे रास्ते में क्यों छोड़ दिया। और आप ईश्वर से अभी भी प्रे करते हो, मैनिफेस्ट करते हो कि मेरा पार्टनर मेरी लाइफ में दोबारा वापस आ जाए और रिकंसिलेशन भी करे और मैरिज भी करे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि उनकी ये चीज़ें ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं हैं। वो जैसे मैं बताऊं, उनकी आदत थी इन और आउट की, वो दोबारा फिर इन आउट हो सकता है हों, लेकिन आपको मजबूत बन के रहना पड़ेगा, उनकी पर्सनैलिटी या उनकी बातों में नहीं आना। आपने जिस चीज़ को लेके शुरू करा है कि रिकंसिलेशन करूँगी तो ये कमिटमेंट भी मेरा पूरा करना पड़ेगा, उन उस चीज़ में आपने पक्के रहना है। लेकिन जहाँ थी हमारी रीडिंग का टॉपिक था कि आपका आपके पार्टनर के साथ रिकंसिलेशन होगा, कुछ लोगों का है कि रिकंसिलेशन तो होगा लेकिन जब आप फाइनल डिसीजन हर एक को नहीं मिलेगा, हो सकता है आपकी लाइफ में दोबारा कभी वो पार्टनर आए तो फिर आउट हो जाए, इन आउट की पोजीशन है। लेकिन ये कार्ड बताता है कि पिछले जो दिनों में होना था हो गया, ये कार्ड बताता है कि अब रिकंसिलेशन होगा, मैरिज तक भी बात जाएगी, हैप्पी फैमिली तक भी बात जाएगी, सेलिब्रेशन भी होगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए है कि आएंगे, हो सकता है दोबारा आपकी बातों में खरा ना उतरें और फिर इन आउट की उनको आदत है। हो सकता है आपको तो आपके पर्सन ने पता होगा कि इन आउट की उनकी आदत है, तो आपने उनको कैसे टैकल करना है वो आपने खुद देखना है। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है कि आपका आने वाला टाइम, यानी कि आने वाला टाइम, पहले जो होना था हो गया, लेकिन आने वाला टाइम अगर बेटर है तो बोर बेटर होगा, सब कुछ अच्छा होगा, हर तरफ से अच्छा होगा। अगर जो कोई परेशान ज़्यादा परेशान करता है, इन आउट की आदत है, आप दुखी रहते हो, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी एक आध बार और देख लो, उसके बाद देख लो। ये कार्ड बता रहा है कि आपका फ्यूचर ब्राइट है, तो आप अपने फ्यूचर की तरफ निकलो, जब सही रास्तों में अच्छे दिल से निकलोगे तो एक चीज़ को लेके बैठे रहने से ज़िंदगी नहीं निकलती, क्या पता ये फिर अच्छी हो जाए और आपके वापस आ जाए, या लाइफ में कोई और ब्राइट चांस आपको मिल जाए। देखिए, नाइट ऑफ वॉन्ट्स, नाइट ऑफ वॉन्ट्स बता रहा है, नाइट ऑफ सोर्ट्स बता रहे हैं कि इन आउट की आदत है, निकल चुके हैं आपकी तरफ, वो आना चाहते हैं और आएंगे भी, लेकिन आपने अपने कमिटमेंट पे खरे उतरना है। फैमिली वालों का इंटरफेयर बता रहे हैं, जो लोग फैमिली की वजह से गए हैं उनका रिकंसिलेशन होगा, शादी भी होगी, उनकी ज़िंदगी में सब कुछ सही होगा, और जो मैनिपुलेट करके गए हैं, इन आउट की आदत है, आपको उनके ऊपर भरोसा सोच के करना है। देखिए, ये कार्ड है टेन ऑफ पेंटिकल का, एक अच्छी फैमिली है, ये फैमिली लॉयल है। देखिए, ये पेट इसमें शो करा हुआ है, जो पेट रखते हैं वो एक अच्छी फैमिली है। और इसमें क्या गैप है, एक जनरेशन का गैप होता है, जो बताता है कि अगर फैमिली वालों का इंटरफेयर था तो उसमें हर एक ने अपनी अपनी राय रखी है, लेकिन वो पर्सन भी वापस आ जाएंगे। ये देखिए, आपके बाद के कार्ड सारे सही है। ये टेन ऑफ कप्स बताता है कि हैप्पी फैमिली, फुल फैमिली। ये देखिए, ये दोनों कार्ड कितने अच्छे आए हैं आपके। हैप्पी फैमिली बता रहा है, टेन ऑफ कार्ड्स बता रहा है, क्या टेन ऑफ कप्स बता रहा है कि वो लाइफ में आएंगे, आपका कमिटमेंट भी पूरा करेंगे, रिकंसिलेशन के बाद आपके साथ मैरिज भी करेंगे और आपकी आगे तक लाइफ चलेगी। ये कार्ड सेलिब्रेशन को बता रहा है, लेकिन जहाँ एयर साइन बता रहा है कि चीज़ें छुपाते थे, मैनिपुलेट करते थे, अगर उनको रियलाइज होगा तो आपके पास आएंगे, तो ये चीज़ें अच्छी चलेंगी। अगर किसी ज़रूरत या उनकी इन आउट, बीच में कुछ पर्सन ऐसे हैं जिनकी इन आउट की आदत है, वो आएंगे तो चीज़ें फिर से ख़राब हो सकती है। आपने अपने आप को एक, अपने आप से एक कमिटमेंट करना है, और करना है ये है कि अब दोबारा थ्री ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में आपने नहीं आना। फैमिली का इंटरफेयर है, बताया जा रहा है कि वो भी सुलझ जाएगा, कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है।
देखिए ये कार्ड है एट ऑफ वॉन्ट्स का, ये बताता है रिकन्सिलेशन का कार्ड है, ये रिकन्सिलेशन का कार्ड है, ये दोनों पॉजिटिव कार्ड है, ये यही बताते हैं। बाद के जितने भी आपके कार्ड आए हैं सारे पॉजिटिव कार्ड आए हैं, रिकन्सिलेशन होगा, दूर बैठे हैं, अगर कोई बिजनेस के चक्कर में जा गया है, अगर किसी वजह से फाइनेंस की वजह से आपके रिश्ते में ब्रेकअप आया है तो वो जरूर आएंगे, हो सकता है उन्हें इधर आने आने के लिए कदम उठा लिया हो, तो आपका रिकन्सिलेशन सबका इसमें जितने भी कार्ड आए हैं रिकन्सिलेशन होने की सबकी संभावना है। लेकिन है रिश्ते में ब्रेकअप हुआ है फैमिली या फ्रेंड्स के इंटरफेयर से, या आपके पर्सन जो थे दिमाग कुछ ज़्यादा लगाते थे, मैनुकुलेट करना अच्छे तरह जानते हैं, चीज़ों को छुपाना चाहते हैं, इन आउट की उनको आदत है, तो जब नेक्स्ट टाइम आए तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जिस बात पे आपने कसौटी पे आपकी कसौटी पे पूरे खरे उतरे, तो तभी आपने रिश्ते को आगे तक लेके जाना है, नहीं तो अदरवाइज मैं नहीं चाहती कि आप फिर दोबारा इसी चीज़ को लेके रीडिंग को देखें कि हमारा पर्सन के साथ रिकन्सिलेशन होगा। मैं चाहती हूँ आप जब भी दोबारा रीडिंग देखें ये वाली देखें कि हमारी मैरिज कब होगी, हमारी रिलेशन कब तक चलेगा, ऐसी वाली रीडिंग देखें। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस करूँगी कि जिनकी इन आउट की आदत है आप उनको अपनी कसौटी पे खरा उतरे तभी आगे बढ़े, लड़ने झगड़ने की उनके साथ कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक समझदार प्रैक्टिकल इंसान की तरह उनके साथ बिहेव करें। ज़्यादा सॉफ्ट या ज़्यादा नाजुक होके रिश्ता कभी आगे नहीं चलता, क्योंकि जब सामने वाला मैनुकुलेट करता है बातों को, मैनुकुलेशन जानता है, तो आपका जो सॉफ्ट है ना उसके लिए थोड़ी देर के लिए है, बाद में वो खुद उसी जिस बिहेव में रहता है उसी बिहेव में आ जाता है। तो इसलिए देखिए आपके कार्ड बहुत अच्छे आए हैं, आपके सबका रिकन्सिलेशन लिखा हुआ है, सबका रिकन्सिलेशन है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है कि आपका भाग्य निखरेगा, आपकी लाइफ में जब आएंगे भाग्य निखरेगा, लेकिन इन आउट की जो आदत है उसमें आपने पक्के रहना, जिनकी फैमिली का भी इंटरफेयर था वो भी सुलझ जाएगा, लेकिन आपके पर्सन जो बातों को मैनिकुलेट करते हैं जिनकी इन आउट की आदत है, आपने उस चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे अब मेरी रीडिंग देख रहे हो वैसी पोजीशन नहीं लाने देनी, सॉफ्ट में नहीं, एक प्रैक्टिकल इंसान की तरह उनके साथ बात करनी है, सॉफ्ट में नहीं कि हाय मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सका या रह नहीं सकी, मैंने तो दिन बड़ी मुश्किल निकाले, मुझे तुम्हारी याद बहुत आती थी, ऐसा कुछ नहीं। हाँ भाई मैरिज करनी है, लाइफ बतानी है, जब मेरा लॉन्ग रिलेशनशिप रखना है तो हो सकता है वो मैरिड हो सकता है कि आपके एक्स हों या अफेयर्ड हों या आपकी मैरिज हुई हो, इन सब चीज़ों को देख के हर एक की मैरिज होना पॉसिबल नहीं होती, लेकिन जो भी आपके दिल में सवाल है पहले आपने वो पूछना है, तभी रिश्ते को आगे तक लेके जाना है। अदरवाइज ये व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है कि आपके रिश्ते में अगर आपको लग रहा है कि कुछ आगे नहीं निकलेगा तो आप जहाँ भी जाएंगे आपको सुकून मिलना है, आपका फ्यूचर चमकना ही चमकना है। ये दो कार्ड जो है 201% पॉजिटिव होते हैं, इनको सुनहरा अवसर बोलते हैं। तो इसलिए एक चीज़ पे खड़े रहने से, एक पानी में भी ज़्यादा देर खड़े रहो तो पैर कांपने लगते हैं, और आग में भी खड़े हो तो पैर जल जाते हैं, एक चीज़ में जगह ज़्यादा देर खड़े रहो तो सामने वाले का दिमाग बदल जाता है। आप अपने आप को पॉजिटिव बनाइए, अपने जहाँ भी आप बिजनेस करते हैं काम करते हैं कुछ भी उनमें ध्यान लगाइए, एक लाइफ में रुकना नहीं है, लाइफ चलानी चलानी है, ये जो पर्सन है ये अपने आप आपके पास दोबारा लौट के आ जाएंगे, क्योंकि जो ज़िंदगी में है उनको कोई नहीं छीन सकता अगर आपका प्यार सच्चा है, और जो ईश्वर आपके लिए माता रानी हमेशा आपके लिए सब कुछ अच्छा और सच्चाई सोचती है, उसको अपने भक्तों से बहुत प्यार है। तो आज की रीडिंग आपको मेरी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो कीजिए लाइक शेयर कमेंट, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब, साथ में दबाइए बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे आपके फ़ोन तक। आज तक की रीडिंग थी यहीं तक कि मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।